तो आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है जिसका पूरे देश को इंतजार है बेसब्री के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ जाएंगे, काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। नमस्कार, मैं हूं सचिन। तो आज वो दिन है लोकतंत्र के पर्व का, लोकतंत्र के उत्सव का, और जिसमें आहुति देती है जनता, यानी कि जनता जनार्दन। आज से पहले दावे हुए, दावों के साथ वायदे हुए, वायदे के साथ बहुत से चुनावी वायदे हुए, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है या नहीं, लेकिन अब जैसे ही 8 बजेंगे आपके सामने जनता का वो फैसला होगा कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही तय करती है कि यहाँ पर अब की बार 400 पार होने वाला है, मोदी इतिहास बनाने वाले हैं, या फिर इंडिया गठबंधन का कुछ और होने वाला है। तो आज के दिन से देश की दिशा और दशा तय होती है, यानी आज का लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का दिन है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लोकसभा चुनाव का परिणाम जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। कुछ ही घंटों में यानी सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इंडिया न्यूज आपके लिए लाया है सबसे बड़ी कवरेज, सबसे सटीक विश्लेषण और सबसे सटीक जानकारी। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक इंडिया न्यूज पर आज दिन भर मौजूद रहेंगे। वो हार और जीत के कारणों पर चर्चा करेंगे। हमने आपको लगातार एनालिसिस दिखाया, ओपिनियन पोल दिखाया, एग्जिट पोल दिखाया, लगातार दिखाया कि किस तरीके से किस सीट पर कैसी टक्कर है, कैसा चुनाव हुआ है, और हमारे संवाददाता तमाम बूथ्स पर मौजूद हैं, आपको वहां पर लिए चलेंगे। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी सटीक जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी जो है आपको देने की हम कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट सही सबसे पहले सबसे तेज। तो 7 चरणों में कुल 80 दिन की मतदान प्रक्रिया के बाद 51 राजनीतिक पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। देश की 543 लोकसभा सीटों के अलावा आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी ये तस्वीर भी साफ होने वाली है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पल पल वहां पर क्या अपडेट आ रही है, कितनी सीटों पर कौन आगे है, यानी विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आज आने वाले हैं उस पर भी इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे। सबसे पहले सबसे सटीक जो अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारी तमाम टीम इस वक्त मौजूद है, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। तो 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अब बहुत ही थोड़ा सा वक्त रह गया है, जैसा कि हमने आपको लगातार कहा कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, दिग्गजों की किस्मत का पिटारा शुरू हो गया, और आज की ही वो रात होती है, यानी कि कल शायद ही कोई राजनेता सो पाया हो, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर यहाँ पर राहुल गांधी हो, तमाम राजनेता कोई सो पाया हो, क्योंकि आज सुबह के वक्त जिस तरीके से इम्तिहान का रिजल्ट आता है, क्वेश्चन पेपर का रिजल्ट आता है, उसके बाद जब आपने एग्जाम दिया होता है, कुछ उसी तरीके से आज रिजल्ट आने वाला है नेताओं का। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती। बिल्कुल ठीक कहा सचिन आपने, क्योंकि लगातार इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि जो अग्नि परीक्षा तमाम दिग्गजों की हुई है, क्योंकि कई ऐसी हस्तियां हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, आज इंतजार इस पल का करेंगे कि नतीजे किस तरह के सामने आएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल पर बहुत चर्चा हुई है। हालांकि विपक्ष ने सिरे से नकारने की कोशिश की है, और इंडी गठबंधन 295 सीटों का जो दावा कर रहा है उसमें कितना दम है और एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट साबित होंगे ये देखने का दिन आज है। और आज के इस अहम दिन में तमाम जगह पर जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है रात भर, जैसा कि आपने कहा कि धड़कनें बहुत तेज होंगी, क्योंकि जैसा एग्जाम होता है उसके बाद से परीक्षा कैसी गई है ये तो मन में पता होता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट का इंतजार जरूर, क्योंकि नर्वस तमाम नेता होंगे आज इस बात को लेकर कि जनता ने उनके लिए क्या सोचा है, आखिर जनादेश किधर जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना आज बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन सिरे से नकार रहा है एग्जिट पोल को, और ये कहा जा रहा है कि एकदम उलट नतीजे होंगे।